अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं पाक पंजाब टेलर को। तो आज हम आपको पैंट ट्राउजर की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताएंगे। हमारी पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको समझ आ सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं पैंट ट्राउजर की कटिंग और स्टिचिंग। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो पैंट ट्राउजर की लेंथ है वो 36 है, 36 इंच है। इसके जो लास्ट के नीचे जो घेर है फ्रंट का वो है 12 इंच, और आसन से जो घेर है वो है हाफ जो है वो 13 इंच है। आसन इसका तैयार 12.5 है, पाँचा इसका 7 है, और लास्ट की जो डालनी है वो फुल लास्ट 12 इंच है। अभी मैं सबसे पहले आपको बता दूं कपड़े की पैमाइश करके, कपड़ा कितना है। ये 1 गज 36 इंच, दो गज कपड़ा है, और इसकी जो अर्ज है वो है तकरीबन, ये 39 तक 1 मीटर होता है, 36 एक गज होता है। ये 1 गज हो गया, निशान लगा दूं मैं आपको बता दूं, ये 1 गज 36 इंच। एक गज तकरीबन 10.5 इंच है। टोटल जो है वो कपड़े का जो चौड़ाई है वो है 47 इंच, 47 इंच इसका कपड़े का चौड़ाई है। इस कपड़े को आपने इसी लगा देनी है, और इस कपड़े को आपने डबल कर लेना है। क्या करना है, इस कपड़े को देखो अभी आपने ऐसे डबल कर लेना है। इसको इसी लगा के इधर से आपने सीधी लाइन लगानी है। जो कपड़ा आगे पीछे होता है वो ताकि बिल्कुल इसकी लाइन से सीधा हो जाए। जो नेफा हमने रखना है वो 1.25 इंच, कितना 1.25 इंच चौड़ा रखना है हमने। देखो नेफे का जो हमने चौड़ाई रखी है 1.25 इंच, पे निशान लगाया है, इसको भी इधर लाइन लगा देंगे। इसकी लेंथ नापेंगे, देखो अभी इधर से मैं इंची टेप रखूँगा और 36 पे निशान लगाऊंगा। कितने 36, हमारा जो पेंट ट्राउजर का नाप है वो 36 पे निशान लगा दिया। दूसरा निशान इसका मैं लगाऊंगा वो 38 पे, 2 इंच इसका पांचा फोल्डिंग के लिए। इधर भी मैं 36 पे निशान लगाऊंगा और दूसरा निशान लगाऊंगा 38 पे। इधर इसकी मैं लाइन लगा दूंगा सीधी, देखो लाइन लगा दिया, और इधर भी इसकी मैं लाइन लगा दूंगा पांचा फोल्डिंग के लिए। लाइन लगा देंगे, अभी इधर से जो घेर है पैंट ट्राउजर का हाफ वो है 12 इंच, मैंने 12.5 पे आधी इंच का मार्जिन रखा है। ये देखो 12.5 पे, ये 12 पे निशान लगा, ये 12.5 पे निशान लगा दिया। और इधर से जो हमारा जो आसन है वो है तकरीबन 12.5 इंच, ये मैंने 11.5 पे निशान लगाया, और इधर से भी मैं 11.5 पे निशान लगाऊंगा। इधर से इसकी मैं लाइन लगा दूंगा, और इधर से हम रखा था 12.5 इंच, और इधर भी 12.5 इंच रखूंगा। निशान रख लगा दिया मैंने, इधर मैं इसकी ये लाइन लगा दूंगा। ये 12.5 पे निशान मैंने लगाया था, इधर मैं लगाऊंगा 6.25 इंच पे, 6.25 इंच पे निशान लगा दिया, और इधर भी 12.5 पे निशान लगा के सेंटर इसका 6.25 इंच, 6.25 इंच, पाँचा हमारा जो है वो 7 इंच है। इधर से पाँचा लूँगा सेंटर से मैं इसका,
अभी इधर से पाँचे का निशान लगाएंगे, पाँचा है हमारा 7 इंच, 3.5 देखो, 3.5 इस तरफ और 3.5 इस तरफ, इधर 7 पे लगाऊंगा, इधर 3.5 पे लगा दिया, ये हमारा पाँचे का सेंटर निकल आया। अभी इधर से स्केल को मैं रखूंगा, देखो इधर मैं लाइन लगाऊंगा ये निशान पे जो हमारा पाँचे का निशान लगाया था, इसका मिला दिया। आसन जो हमारा है इधर से वो 13 इंच है, हम थोड़ा सा इसको मार्जिन बढ़ा लेंगे दबाव के लिए, ये देखो 14 से ऐसे मैं इसकी गुलाई करूँगा, गुलाई कर लिया ताकि उठने बैठने में आसन हमारा फटे ना। इधर देखो आसन से लेके पांचे तक इसकी मैं लाइन लगा दूंगा, थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ देखो, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ हो गया, सही हो गया। अभी इसी निशान के ऊपर इसकी मैं कटिंग करूंगा, इधर भी जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा है उसकी कटिंग कर दी है, ऊपर से जो नेफे कपड़ा है उसको हमने सीधा कर लिया है। अच्छा आसन से अभी इसी निशान पे नीचे पांचे तक इसकी कटिंग करेंगे, ये पांचा फोल्डिंग के टुकड़ा लगा देंगे, निशान पे इसकी कटिंग करेंगे, अभी इधर भी टुकड़ा लगा दिया। इसी जो लाइन लगाई थी इसी लाइन के ऊपर आपने कटिंग कर लेनी है इसकी, और इधर भी टुकड़ा लगा देंगे नेपा फोल्डिंग का, जो हमारा कपड़ा हमने फोल्ड करना है नेपे के लिए, देखो ये हमारा नेपा इस तरह फोल्ड हो जाएगा, इधर इसे पांचा हमारा इधर से फोल्ड हो जाएगा, और हमारा जो पैंट ट्राउजर का जो फरमाइश है वो 36 इंच पूरा हो जाएगा। अभी फ्रंट का पीस हमने काटा है, अभी काटेंगे बैक का। अभी इस पीस को हम ऐसे इस तरफ करेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसकी कटिंग बैक की कैसे करेंगे। इधर इसका मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगा, वक्फे वक्फे पे, ये मैं लाइन लगा दी। इस पीस की कटिंग कर लूँगा साथ साथ, इसके क्या करनी है साथ साथ आपने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरफ से। ये तो टुकड़ा लगा देने आपने, और इधर से भी इस निशान पे आपने कटिंग कर लेनी है इसकी। अभी आपने इसको ऊपर वाले पीस को उठाना है और एक साथ बराबर कर देना है, इसकी बिल्कुल साथ साथ बराबर इसको रख देना है आपने। इधर टुकड़ा लगा देना है आपने, इधर से आपने इसको अभी इसका बैक साइड कितना बढ़ाना है आपने, तकरीबन 2.25 पे मैंने निशान लगा दिया, इसको इस तरह क्रॉस निशान लगा देंगे, बैक साइड इसकी 2.25 इंच हमने बढ़ा दिया है। पांचा इसका है 7 इंच, कितना है 7 इंच पांचा है हमारा। ये हमारी पैंट ट्राउजर की कटिंग हो चुकी है, अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो दिखाते हैं कि हम इसकी सिलाई कैसे करेंगे। देखो अभी हम इसकी
की स्टिचिंग शुरू करते हैं। देखो ये उल्टी साइड है, एक रास निशान लगा दिया, ये भी उल्टी साइड है और ये भी उल्टी साइड है और ये भी उल्टी साइड है। ये दो ऊपर वाले पीस हैं, छोटे पीस ऊपर वाले हैं, तो आपने क्या करना है, नीचे वाले दो पीस इस साइड पे करने हैं आपने। इधर से आपने एक पीस उठाना है, देखो एक पीस उठा दिया ना आपने, उठा लिया, और ये जो पीस है ना इसको उठा लेना है, इसको भी आपने उठा लिया, और इस पीस को ऊपर रख दिया आपने, बैक वाले की पीस ऊपर, और ये जो पीस उठाया था बड़े वाला, ये छोटे वाले के साथ टच कर देना है इधर। अभी आपको समझ आ गई होगी कि मैं कैसे रख लूँगी, जब कोई भी छोटा पीस बड़े वाले के साथ टच हो गया, साथ रख दिया हमने, और ये वाला पीस बड़े वाला पीस छोटे के साथ टच कर दिया। देखो देख लिया आपने, इधर भी बड़े के साथ छोटा टच किया और छोटे के साथ बड़ा टच कर दिया। अभी हम इसकी सिलाई लगाएंगे, आइए आपको दिखाते हैं सिलाई। अच्छा मैं इधर बता दूं आपको कि हमने इसका दबाव कितना लेना है, पैर का दबाव लेना है, मैं निशान लगा दूं ताकि आपको समझ आ सके। इतना दबाव लेने हैं, देख लिया था। इतना इसका निशान लग चुका है, अभी दूसरे का भी निशान लगा देता हूं मैं आपको। देखो इधर मैंने इसका निशान लगा दिया है, अभी इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। देखो अभी टुके लगे हैं, टुके आपस में आपने बराबर करने हैं, बराबर करके इस लाइन के ऊपर आपने सिलाई लगानी है, पक्का कर लेने। ये हमारी सिलाई मुकम्मल होगी एक साइड की, अभी दूसरे को लगाते हैं, दूसरे को भी इसी तरह सिलाई लगानी है जैसे मैंने अभी लगाई है। एक बिल्कुल बराबर कर लेना है, ऐसे बराबर करने के बाद आपने इधर पक्का कर लेना है और इसी निशान के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। इधर भी पक्का कर लेना है आपने, देखो पक्का कर लिया इधर। अभी हम क्या करेंगे, इसको जो सिलाई लगाई है इसको हम इसी लगाएंगे। अभी आपने इसको ऐसे खोलना है, ऐसे ऐसे रख के आपने जो सिलाई लगाई है ना इसको आपने इसी लगानी है। अभी सीधी साइड पर रख के इसी लगा देंगे इसको, ताकि इसकी सही तरीके से जो जोड़ है वो बैठ जाए। अभी दूसरे को भी इसी तरह इसी लगानी है आपने। देखो अभी हमने जो सिलाई लगाई है उसको हमने इसी लगा दी है दोनों तरफ। अभी ये पांच है ना जो, इसको हम छोटी सी बांध दे देते हैं, देखो इतनी बांध दे देते हैं। देखो देखो पांच की तरफ इसकी हमने बांध दे दिया। अभी ऐसे करना है इसको, ऐसे डबल करना है, इसको
इस भान को आपने ऐसे खोलना है, सिलाई ऐसे लगानी है, भान को पहले सही नहीं लगानी, इसको ऐसे कर लेना है। अभी पांचा बताता हूँ कि पांचा हमारा कितना है। देखो ये पांच का हम निशान लगा रहे हैं, देखो इधर इतना पैर का दबाव लेना है आपने, कितना टोटली पैर का दबाव लेना है। इसी निशान के ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। अभी दूसरे को भी इसी तरह करना है। देखो ये हमने निशान लगा दिया था, अभी ये हमारा निशान आपको दिखाता हूँ, जो हमारा दबाव का निशान है, ये देख सकते हैं, जो हमने पांचा फोल्ड करना था, टुकड़ा लगाया था, आपको याद होगा। इसको आपने ऐसे इधर भान, इसके बारे में आपको मैंने बता दिया है, देखो ये, इसको आप फिर इस तरह, ये टुकड़ा लगा हुआ है, देखो इधर टुकड़ा, इधर भी टुकड़ा लगाए और इधर भी टुकड़ा लगाए, दरमियान में टुकड़ा लगाए, तो आप इसके बराबर इसको आपने फोल्ड कर लेना है। ये भान इसी देते हैं कि बाद में आसानी होती है तुरपाई के लिए। ये देखो अभी हमने भान इसकी दे दी है, देखो इसकी लाइन लग गई है, इसको हम सिलाई लगाएंगे, दिखाएंगे कैसे सिलाई लगाएंगे, इसको ऐसे पकड़ के ना, इसको भान को ऐसे खोल के इसको हम ऐसे, देखो जैसे आपने भान दे दी हमने पांच पांचे की, इसको हमने पांचे को फिर खोल लिया, इधर हम इसको सिलाई लगा देंगे। अभी सिलाई दिखाएंगे आपको, इस पांचे को हमने ऐसे फोल्ड किया था ना ऐसे, अभी इसको ऐसे खोल के आपने ऐसे रख के सिलाई लगानी है, ऐसे पकड़ के, इधर आपने पक्का कर लेना है, ऊपर नीचे कपड़े को आपने बिल्कुल बराबर रखना है। पक्का लिया इधर भी आसन में भी, और दूसरे जो दूसरी साइड ट्राउजर वाली उसको भी इसी तरह सही लगानी है, उसको आपने ऐसे पकड़ के पांची की तरफ से उसको भी इसी तरह सिलाई लगानी है। अभी देखो अभी हमारी सिलाई दोनों साइडों की ट्राउज़रों की लग गई है। अभी हमने क्या करना है, अभी आपको दिखाते हैं कि हम इसको कैसे टच करेंगे दोनों को। दो पीस ये हैं और दो ये हैं, देख सकते हैं ये छोटा है ये बड़ा है, इधर से भी ये देखो बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, इसका भी नीचे वाला छोटा है और ऊपर वाला बड़ा है। छोटे के साथ छोटा मिलाना है, बड़े के साथ बड़ा मिलाना है, बैक को बैक के साथ मिलाना है, फ्रंट को फ्रंट के साथ मिलाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारी बैक साइड है, देखो बैक को बैक के साथ मिला रहे हैं, इसको आपने ऐसे बराबर करना है। आसन देखो ये हमारा आसन है दोनों साइडों का, ये देखो अभी ये भी आसन, आसन के साथ आसन बराबर हो गया, ऐसे हमने इसको बराबर कर लेना। ये फ्रंट वाला पीस है, देखो टुके के साथ टुका इंशाल्लाह बराबर आएगा, देखो देखो बिल्कुल बराबर आ गया। अभी हमने क्या करना है, इसको हम इतना दबाव लेना है, कितना पैर का दबाव लेना है, ये आपको निशान लगा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। देखो इधर हम इसको एक साइड से शुरू करेंगे, देखो अभी इसी लाइन के ऊपर हम आएंगे, देखो इसको से बराबर करना है और इसी लाइन के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। इधर आपने इसको पक्का कर लेना है, देखो पक्का लिया मैंने, और इसी लाइन के ऊपर आपने सिलाई लगानी है इसकी। Thank you.
ये हमारी आसन की सिलाई मुकम्मल हो गई है बैक फ्रंट की। ये हमारा ट्राउज़र टच हो चुका है, आसन की सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अभी हम पाचे की तरफ सिलाई लगाएंगे। देखो ये पाचे की जो दबाव हम छोटा दिया था ना आपको, मैंने दिखाया था ये छोटा दबाव जो है, इसको हम पैर की सिलाई लगाएंगे। हाफ पैर की, इसको हम हाफ पैर की सिलाई लगाएंगे। ये हम इसी लगाते हैं कि हमारी तुरपाई करने में आसानी होती है। ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है। अभी दूसरे पांच को भी इसी तरह हम लगाएंगे। ये हम सिलाई, मैं आपको बता रहा हूँ सिलाई हम क्यों लगाते हैं, ये इसी लगाते हैं कि तुरपाई करनी आसानी हो। अगर ये बाद में तुरपाई खुल भी जाती है तो कस्टमर ख़ुद भी इसकी मरम्मत कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है सिलाई लगाना। अभी दूसरे पांच को भी इसी तरह हम सिलाई लगाएंगे। इसको भी हाफ पैर की इसी तरह सिलाई लगाएंगे। ये हमारे पांच पे सिलाई लग चुकी है। अभी अभी जो ऊपर नेफे वाली जगह है इसको भी हम इसी तरह पैर की सिलाई पहले लगा लेंगे। ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, इधर से हम शुरू करेंगे हाफ पैर की सिलाई। फिर हमको नेपा फोल्ड करने में आसानी होगी, आपको समझ भी आएगी जब आप लगाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। देखो इसको हाफ पैर की सिलाई लगा रहे हैं। ये हमारी हाफ पैर की सिलाई मुकम्मल हो गई है। अभी हम नेपा फोल्ड करेंगे, साथ लास्टिक भी डालेंगे। अभी हम इसमें लास्टिक लगाएंगे। इस लास्टिक को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और लास्टिक हमारी जो है वो 12 इंच है, तो हम इसको कितना काटेंगे। देखो ये 12 इंच लास्टिक है और ये हमारा दबाव में आ जाएगा, तो फुल हम डबल में कितनी काटेंगे, 13 इंच। कितनी, 13 इंच। ये देखो डबल में हमने इसको 13 इंच काटेंगे। ये देखो 13 इंच, तो ये इतनी दबाव में हमारी आ जाएगी। ये हमारा दबाव में आ जाएगा और ये हमारी 12 इंच इलास्टिक आ जाएगी। हम निशान लगाया, देखो इधर इधर भी निशान लगाया था और इधर भी निशान, दोनों तरफ निशान लगा हुआ है, ठीक है। दोनों तरफ आपने ऐसे निशान लगाना है। देखो इधर भी निशान लगाया और ऐसा भी निशान लगा हुआ है, ठीक है। अभी आपने इसको देखो, दोनों निशानों को आपस में बराबर रखना है, इसके ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। लास्ट तक हमने जोड़ लगा दिया। अभी ये हमारी फ्रंट वाली साइड है, ये है बैक वाली। बैक वाली बड़ी होती है, देखो ये है फ्रंट। ये देखो टुक्के के निशान लगे हुए हैं, आपको मैं वादा कर दूं टुक्का ये हमारा लगा हुआ है। देखो जब तक हमने इसका सिलाई को
जितना हमने नेपा फोल्ड करना है। देखो इसके अंदर लास्ट को मैं डालूंगा, रखूंगा इधर, और इसको मैं ऐसे फोल्ड कर लूंगा, जोड़ के साथ मिलाएंगे, देखो सिलाई को, ताकि हमारा नेपा सही तरीके से बैठ जाए। अभी आपने लास्ट को ऐसे रखना है और इसके साथ साथ आपने सिलाई लगाते जाना है ऐसे, इसको ऐसे फोल्ड करते जाना है। देखो ये जोड़ है जो हमारे ट्राउजर के एक साथ, ये देखो जोड़ बराबर खेच दो इसको, इसको आपने नेफे को ऐसे खींचना नहीं है, नरम हाथ से आपने इसको बिल्कुल बराबर रखना है। इसको बराबर रखना है आपने ऐसे बिल्कुल, देखो ये इसको हमने बिल्कुल बराबर रख के सिलाई लगा दी है, ये हमारे नेफे की सिलाई मुकम्मल हो गई है। अंदर हमने इलास्टिक भी डाल दिया इसकी, ऐसे बराबर कर लेना है ताकि ये अपनी जगह पे सही तरीके से बैठ जाए। नेफे को आपने अपनी जगह सेट कर लेना है, ये देखो हाथ मार के देखो ताकि अपनी जगह पे सही तरीके से बैठ जाए, उठे ना। देखो ये हमारी 12 इंच इलास्टिक, अभी इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। इलास्टिक के दरमियान में सिलाई लगानी, क्या करना है, इलास्टिक के दरमियान में आपने सिलाई लगानी है। अभी आपने ऐसे दरमियान में रख के इसको देखो सुई को नीचे करके और इसको आपने ऐसे खींचना है, देखो पीछे से पकड़ के आगे से पकड़ के बिल्कुल बराबर, इधर आने के बाद अब सुई देखो नीचे कर देनी है, फिर इसको आगे पकड़ना है इतने वक्फे पे, इसको खींचना है और खींच के आपने सिलाई लगानी है। देखो ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है। देखो अभी इस 5-6 पे हमने इधर हाफ पैर की सिलाई लगाई थी, आपको मैंने दिखाया था, अभी आपने क्या करना है, इससे लगा के इसको इस 5 को आपने अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है। देखो ये बांध लगी हुई है पहले, क्योंकि हमने इसको पहले प्रेस किया था, ये देखो अभी इसको ऐसे हमने फोल्ड कर लिया, इसको पहले हमने देखो बांध दी थी, मैंने दिखाया था कपड़ा फोल्ड करके 5 का, इसको आपने ऐसे इसी लगा देनी है। देखो 5 हमारा बिल्कुल ये बराबर तरीके से बैठ गया है, अभी हम इसकी तुरपाई कर देंगे। ये देखो आपने सुई में सिंगल धागा डालना है, डबल नहीं करना है। देखो अभी ये देखो एक इधर तार है, इस धागे इसका इधर है, दूसरा लंबा इधर आपने गाड़ लगा देनी है एक साइड पे, इधर इधर से हम शुरू करेंगे। आपने ऐसे नीचे से टांका उठाना है और ऊपर वाले 5 जो कपड़ा हमने फोल्ड किया टच करना है, इधर से भी टांका उठाना है आपने और ऐसे ऊपर वाले जो हाफ पैर लगाए कंकर के साथ टच करना है, इसलिए इधर से एक दो धागे उठाने हैं आपने और ऊपर जो है ना इसके जो कपड़ा फोल्ड किया है इसके किनारे पे आपने सुई को निकालना है, इधर से आपने इतना इतना गैप रखना है। देखो ये पक्का कर लिया मैंने, गाड़ लगा दिए,
देखो ये पांचा हमारा तुरपाई हो चुका है, ये बैस ये सीधी साइड है और ये साइड उल्टी है, ये देख सकते हैं बिल्कुल बराबर। अभी दूसरे पांचे को भी इसी तरह तुरपाई करनी है, आपने ऐसे इसको पकड़ना है ट्राउजर को पांचे की तरफ से, बिल्कुल सिलाई को ऊपर नीचे सिलाई को बराबर रखे, आपने इसको इसी लगानी है। ये आसन तक आपने इसी लगानी है इसको, देखो अभी आपको समझ आ गई होगी कि मैंने ट्राउज़र की कटिंग कैसे की है पैंट ट्राउज़र की, और बहुत ही आसान इजी तरीके से बता दिया है स्टिचिंग कैसे की है, पांचा कैसे फोल्ड किया, तो पाई कैसे की है, लास्ट तक कैसे डाली है, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैंने आपको बता दिया है। इंशाल्लाह जो हमारी बहनें बच्चियाँ बच्चे जो काम सीख रहे हैं इंशाल्लाह इस वीडियो को देख के वो इस तरह पैंट ट्राउज़र की कटिंग कर सकती हैं और स्टिचिंग भी कर सकती हैं, लास्ट तक कैसे डाली है वो भी इंशाल्लाह आसानी से डाल सकती हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। It's not a game, it's a rage game.